सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कुछ कदम चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। दोस्तों, प्लेयर ऑफ नंबर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त सुदिंद्र। दोस्तों, अभी मैं हॉट्स क्वेश्चंस पर वीडियो बना रहा हूं। आपको सारे हॉट्स क्वेश्चंस की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अ थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इफ द डिजिट आर रिवर्स, द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाई यूनिटी। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। पहले तो दोस्तों हॉट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे थ्री डिजिट दिया हुआ है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो टू डिजिट नंबर पर बेस्ड थे, बट यहाँ पे क्या दिया है, थ्री डिजिट नंबर दिया है और मुझे थ्री डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों, उसके ऊपर पहले हम लोग फोकस करते हैं। द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। मतलब अगर थ्री डिजिट नंबर दिया है, सपोज अगर मैं थ्री डिजिट नंबर 123 अज्यूम कर रहा हूं, तो यहां पे क्या दिया है, द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट मतलब 1 + 3 कितना हो रहा है 4 इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। ये जो 4 है ये 1 लेस है मिडिल डिजिट बाय यूनिटी से, तो मैं बोल सकता हूं 4 + 1 इज इक्वल टू मिडिल डिजिट। बस यही रूल अप्लाई करना है मुझे अपने क्वेश्चन में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। मतलब अगर मुझे एक्सट्रीम डिजिट पता होगा तो मैं उसका यूज करके मिडिल डिजिट फाइंड कर सकता हूं। तो वही हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट द डिजिट बी 100 प्लेस बी एक्स एंड दैट इन यूनिट प्लेस बी वाई। मतलब 100 प्लेस पे जो डिजिट रहेगा वो एक्स होगा और जो यूनिट प्लेस पे रहेगा वो वाई होगा, और इन दोनों का यूज करके हम लोग मिडिल डिजिट फाइंड करेंगे। कंडीशन क्या दिया है, द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। मतलब अगर मैं एक्सट्रीम डिजिट का एडिशन कर रहा हूं, क्या हो रहा है, एक्स प्लस वाई हो रहा है, एक्स प्लस वाई। सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन 1 मतलब एक कम है किससे, मिडिल डिजिट बाय यूनिटी से, दैट इज इक्वल टू मिडिल डिजिट -1 बिकॉज लेस का कंडीशन यहां पे दिया हुआ है। सो दैट इज बिकम एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू मिडिल डिजिट। क्लियर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमने यूनिट प्लेस पे वाई अज्यूम किया था और 100 प्लेस पे एक्स अज्यूम किया था, तो एक्सट्रीम डिजिट का सम करके 1 ऐड करने के बाद मुझे मिडिल डिजिट मिल रहा है, तो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1। देयर फोर द थ्री डिजिट नंबर इज 100x बिकॉज जो 100 प्लेस पे उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो 10th प्लेस पे उसको 10 से करना है और जो यूनिट प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर हो जाएगा 100x प्लस 10 इंटू मिडिल डिजिट क्या है, x प्लस वाई प्लस 1, और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज बिकम y। सो देयरफॉर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं दोस्तों और ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो टर्म हो जाएगा 100x प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा, 100x प्लस 10x 110x प्लस 11y प्लस 10, ये मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा या गिवन नंबर हो जाएगा। अब वहां पे दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, दोस्तों अभी हमने थ्री डिजिट नंबर फाइंड कर लिया है, अब हम लोग कंडीशन पे जाते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, अ थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट। मतलब जो थ्री डिजिट नंबर है वो सम ऑफ डिजिट के 17 टाइम्स है, तो पहले हम लोग सम ऑफ डिजिट फाइंड करते हैं दोस्तों। सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द डिजिट इन द गिवन नंबर इज इक्वल टू एक्स 100 प्लेस पे जो था प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 जो 10th प्लेस पे था प्लस वाई जो यूनिट प्लेस पे था। इसको अगर मैं ऐड करता हूं दोस्तों तो मुझे मिलेगा एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई प्लस वाई 2y प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग कंडीशन 1 अप्लाई करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, गिवेन नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, सो देयर फोर इट इज बिकम दैट गिवेन नंबर हमने फाइंड किया था दोस्तों 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू 17 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट हमने फाइंड किया 2x प्लस 2y प्लस 1, सो देयर फोर ये हो जाएगा
110x प्लस 11y प्लस 10, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ये होगा 34x प्लस 34y प्लस 17। सो देयरफॉर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों, 110x यहाँ पे 34x है, इस साइड आएगा माइनस होगा, उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 76x माइनस 11y माइनस 34y, दैट इज बिकम माइनस 23y इज इक्वल टू 17 माइनस 10 इक्वल टू 7। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है। अब हम लोग कंडीशन 2 देखते हैं क्या दिया था। कंडीशन 2 दिया है दोस्तों यहाँ पे, इफ द डिजिट आर रिवर्स, मतलब जो हमने नंबर फाइंड किए हैं उसके डिजिट अगर मैं रिवर्स करता हूँ, द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर, मतलब जो पहला वाला नंबर था उससे जो नया नंबर फॉर्म होगा वो 198 ज्यादा होगा, ये कंडीशन दिया है दोस्तों। सो द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, पहले ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था 100x प्लस 10 टाइम्स x प्लस y प्लस 1 प्लस y, ये मेरा ओरिजिनल नंबर था दोस्तों। अब इसके डिजिट को मुझे रिवर्स करना है तो क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों अगर नंबर दिया है 123 और इसके डिजिट को मैं रिवर्स करता हूं तो नंबर क्या मिलेगा 321, मतलब जो मिडल डिजिट है वो सेम है दोस्तों, सिर्फ जो यूनिट प्लेस पे डिजिट था वो 100 प्लेस पे आ गया और जो 100 प्लेस पे डिजिट था वो यूनिट प्लेस पे चला गया, बस यही चेंज हो रहा है दोस्तों, तो वही अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे 100x दिया है, x क्या है, x वो डिजिट है जो 100 प्लेस पे है तो वो जाएगा यूनिट प्लेस पे, और जो यूनिट प्लेस का डिजिट है y वो 100 प्लेस पे आएगा, तो नंबर क्या होगा 100y प्लस 10 टाइम्स x प्लस y प्लस 1 प्लस x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 110y प्लस 11x प्लस 10, ये मेरा नंबर आ जाएगा दोस्तों आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। और गिवन नंबर क्या था, गिवन नंबर था 110x प्लस 11y प्लस 10। फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या दिया था दोस्तों, गिवन नंबर प्लस 198 इज इक्वल टू न्यू नंबर, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 110x प्लस 11y प्लस 10 प्लस 198 इज इक्वल टू 110y प्लस 11x प्लस 10। सो देयरफॉर दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा 110x माइनस 11x दैट इज बिकम 99x, 11y माइनस 110y दैट इज बिकम माइनस 99y इज इक्वल टू माइनस 198। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे 99 कॉमन लूंगा ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 198, और 99 जो यहाँ पे हमने कॉमन लिया इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और मुझे रिजल्ट देगा माइनस 2। सो देयरफॉर मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है x की, x इज इक्वल टू y माइनस 2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेते हैं दोस्तों। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं दोस्तों। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 1 था 76x माइनस 23y इक्वल टू 7। अब x की जो हमने वैल्यू फाइंड किया है y माइनस 2 उसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टर्म क्या होगा 76 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 23y इक्वल टू 7। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 76y माइनस 152 माइनस 23y इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 53y मींस दैट 76y माइनस 23y 53y इक्वल टू 7 प्लस 152 159। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 159 अपॉन 53, और मैं इसको डिवाइड करता हूं दोस्तों तो मुझे मिल रहा है 53 इंटू 3 दैट इज बिकम 159। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर दोस्तों मैं बोल सकता हूं द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था दोस्तों, x इज इक्वल टू y माइनस 2। सो देयरफॉर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। द डिजिट इन 10th प्लेस इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 1 मिला था दोस्तों, x प्लस y की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज बिकम 5। अब देखो दोस्तों मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई जो 100 प्लेस पे है, y की वैल्यू मिल गई जो यूनिट प्लेस पे है, एंड 10th प्लेस की वैल्यू मुझे मिल गई कितना 5। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर को अरेंज करूंगा दोस्तों, यूनिट प्लेस 3, 10th प्लेस 5 एंड 100 प्लेस 1, 153 जो आ रहा है दोस्तों ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये एक रूल है आंसर फाइंड करने का, अगर मुझे तीनों डिजिट मिल गए तो उसको मैं उसी ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा दोस्तों आंसर फाइंड करने का, हमने जो गिवन नंबर अज्यूम किया था, गिवन नंबर हमने क्या अज्यूम किया था 110x प्लस 11y प्लस 10, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा 110 इंटू 1 बिकॉज x की वैल्यू हमें 1 मिली है, प्लस 11 इंटू 3 y की वैल्यू 3 मिली है, प्लस 10 अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा 110 प्लस 11 इंटू 3 33 प्लस 10 दैट इज बिकम 43, और इसको ऐड कर रहा हूं 153, इससे भी मुझे आंसर मिल जाएगा दोस्तों।
तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर डिजिट को मैं उसी ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो उससे सिंपल वे में मुझे आंसर मिल रहा है, तो ये ज्यादा इजी रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हॉट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।